मुंबई में मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्यौहार बकरा ईद को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद शुरू हो गया, जहां एक ओर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी ईद के त्यौहार के लिए बकरा मंडियां लगाई जाती है, तब कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर बीएमसी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी इन बकरों को चोरी से बेचने को लेकर विवाद उत्पन्न करने लगते हैं। जहां इस तरह के बकरे को पकड़ने का काम जोगेश्वरी और कुर्ला के बीच में ज्यादातर हो रहा है, जबकि उन्होंने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती से मुलाकात करके बकरा मंडियों के बारे में जानकारी दी थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता हाजी अरफात ने कुर्ला में शीतल थिएटर और कल्पना थिएटर के पास बड़े पैमाने पर देवनार और कल्याण मंडी से खरीद कर लाए जाने वाले बकरों को गैर कानूनी तरीके से बेचकर मुसलमानों को गुमराह किए जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर भी विचार करने की बात की है, ताकि दूसरे धर्म के लोगों का ख्याल रखा जा सके। फिर से हमारे मुंबई संवाददाता जावेद लुलानिया की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों साथियों, हम पिछले सैटरडे को चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा पूरा डेलीगेशन, पूरी जितनी वो महाराष्ट्र के ऑफिसर्स हैं, डीजी से लेकर कमिश्नर से लेकर सभी लोग आए थे वहां पर। मैं, रईस मेरे साथ थे, सत्तार भाई जो मिनिस्टर हैं वो सब थे, सब ने मिलकर के बात की थी और सरकार ने वादा किया कि बकरीद में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो जो हमारी डिमांड थी सब उन्होंने मान लिया था। तो अभी मुझे कुछ मैसेज आ रहा है कि कुर्ला में और जोगेश्वरी में पुलिस के साथ मिलकर म्यूनिसपैलिटी के लोग जो है बकरे पकड़ रहे हैं। देखिए, मैं म्यूनिसपैलिटी वालों और पुलिस वालों को बोल देना चाहता हूं कि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी बकरे पकड़े जाना नहीं चाहिए। मैं अभी श्री देवेंद्र भारती साहब जो कमिश्नर हैं उनसे अभी मिलकर आया हूं और उन्होंने अभी कुर्ला के जो डीसीपी हैं उस एरिया के, उन्होंने कहा है कि उस एरिया में ज्यादा पकड़े गए, कोई भी बकरे पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, उसके बाद भी मैं आपको नंबर दे रहा हूं 2264-1752, दूसरा 9967402100, ये हेल्पलाइन है। जहां भी किसी को कहीं भी ऐसी लगता है कि बजरंग दल के लोग बदतमीजी कर रहे हैं या कोई रस्ते में कुछ परेशान कर रहा है, इन दोनों नंबर पर बात कीजिए। इन लोगों ने वादा किया है कि इस बकरीद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग कीजिए। और जब कहीं से नहीं कुछ मिले तो मुझे याद कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कम्युनिटी को इस बकरीद में कहीं कोई तकलीफ ना हो और हम लोग इज्जत के साथ में अपने अपने जो है इस फरीजों को अंजाम दे सकें। शुक्रिया। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे दोस्त, हमारे आमदार जो हमारे कौम को कहीं ना कहीं सही गाइडलाइन देने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी भी सरकार ने नहीं कहा कि देवनार स्लाटर हाउस छोड़ने के बाद या कल्याण मंडी छोड़ने के बाद आप कहीं भी और जाके दुकान रास्ते पे लगाएं। मैं अबू आसिम आजमी जी से, मैं रईस शेख आमदार से पूछना चाहूँगा, भाई कहाँ, कौन से सरकार की कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जो कहा कि जाकर कहीं पे भी गली मोहल्ले के अंदर बकरे बेचे। सरकार ने ये कहा कि देवनार से बकरा खरीदने के बाद या कल्याण मंडी से बकरा खरीदने के बाद आप आपकी बिल्डिंग में लेके जा सकते हैं, उसकी रसीद दी जाएगी, आप वहाँ पर काट सकते हैं, आपकी बिल्डिंग की सोसाइटी इजाज़त हो तो, या स्लाटर हाउस में काट सकते हैं। ये इजाजत सरकार की तरफ से है। हाँ, कोई गुंडा, कोई मवाली आके दादागिरी कर रहा है या दुकान से गाड़ी बकरा छीन ले जा रहा है या गाड़ी से बकरा छीन के लेके जा रहा है, ऐसी अगर कोई घटना घटती है तो बिल्कुल उसके ऊपर सरकार बड़ा कड़ा विरोध करेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई कुर्ला के इलाके में, जिधर मैं रहता हूँ और ऐसे कई इलाके के अंदर जहाँ थोड़ा सा प्रमाइसेस बाहर खुला दिखा, लोग आ रहे और बकरे वहाँ ढीक भर बकरे लेके आ रहे और उसको बेच रहे, सोसाइटी की एनओसी नहीं ले रहे, सोसाइटी की जानकारी नहीं। अभी जैसा कि शीतल थिएटर के पास मैंने देखा, कल्पना थिएटर के पास देखा, कल्पना थिएटर के पास तो मैंने देखा कि बाजू में एक बैंक है, उसके बाजू में एक बाटा का शोरूम है, बाजू में होटल है, ये सारी चीज़ें और पूरे बकरे भरे हुए। आप बताइए कि वहाँ पे और बैंकों में जाने वाले भी बहुत सारे धर्म के लोग हो सकते हैं, चप्पल खरीदने के लिए भी बहुत सारे धर्म के लोग जा सकते हैं। तो मेरा धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि अपने त्यौहार में किसी और धर्म के व्यक्तियों को या किसी और लोगों को तकलीफ दी जाए। धर्म तो छोड़ दो, हमारे ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर किसी को दमा हो या कोई बीमार हो, उसकी बिल्डिंग के अंदर कोई बीमार हो, बकरे की बदबू से किसी को तकलीफ ना हो, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। एक दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा रईस शेख जी से कि उन्होंने कहा कि बकरा भाजी की तरीके बिकना चाहिए। मैं रईस शेख से कहूँगा
कि आमदार साहब बात सुनिए, बकरा जब हम खरीदते इस्लाम के अंदर बकरी ईद के कुछ शराइत है। ये है कि बकरा बीमार नहीं होना चाहिए, दांत टूटा हुआ होना नहीं चाहिए, खुर ठीक होनी चाहिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी, एक साल के ऊपर का होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ अगर नहीं हुई तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब मुझे बताओ कि आप बाहर से एक बकरा लाते हो और कहीं पे भी बेच रहे हो, मंडी बना बना के बेच रहे हो, उस बकरे की डॉक्टर ने जांच की है क्या? उसका पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है क्या? बकरे में बड़ी बड़ी गांठ होती है, अब गांठ होने के वजह से हो सकता है उस कैंसर की बीमारी हो बकरे में या और कोई बड़ी बीमारी हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अगर गोश्त खाने के बाद अगर हमारे लोग बीमार पड़े तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? रईस शेख लेंगे? समाजवादी पार्टी लेगी? कौन लेगा? मुझे इसका सवाल का जवाब बताइए, ये सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम सरकार ने करना चाहिए, कॉरपोरेशन का काम कॉरपोरेशन ने करना चाहिए, आमदार का काम आमदार ने करना चाहिए। अपनी वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में कहीं अपनी कौम को कहीं ना कहीं धोखा देना नहीं चाहिए, अपनी कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं उनको एक सलाह देता हूँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना होना चाहिए। हाँ, सरकार बिल्कुल उनके साथ है, अगर कोई गुंडा कोई मवाली गाड़ी में से बकरा लूट के ले जा रहा है, रास्ते पे परेशान कर रहा है या कोई दादागिरी कर रहा है, उसके साथ बिल्कुल सरकार कड़ा उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, सरकार उनके साथ रहेगी, लेकिन सरकार कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी, कॉरपोरेशन उनके साथ कभी नहीं रहेगी कि किसी गले मोहल्ले चौके पे नाके पे और किसी की बिल्डिंग पे जाके बकरे बेचे, ये कभी भी सरकार इसकी इजाज़त नहीं देगी। ये बात सुनिए, सरकार ने इजाज़त जिस चीज़ की दी है कि देवनार से बकरा खरीदिए, रसीद लेके जाइए और अपनी बिल्डिंग के अंदर दो दिन तीन दिन पहले एक शौक से बकरा ले जाते वो रखिए, इस चीज़ की इजाज़त दी है। लेकिन बकरा लाके 200 300 400 500 किसी की बिल्डिंग के अंदर जाके बेचने की ऐसी सरकार ने कभी भी इजाज़त दी नहीं है, ये मैं आपके सामने कहूँगा। और उनसे कहूँगा कि इस तरीके की गुमराह करने की कोशिश ना करें और कोई ऐसी बात करके शहर के अंदर एक तनाव का वातावरण ना कीजिए, यही आपसे कहूँगा। मैं मुंबई पुलिस से भी कहूँगा कि जो लोग इस तरीके की चीज़ें करते बकरे लूटने के लिए रास्ते पे परेशान करेंगे उनके ऊपर कड़क सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी भी मांग रहेगी। मैंने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से मिलके मैंने बात की कि इस तरीके की वारदातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। कुर्बानी जो एक त्यौहार है, एक कुर्बान जब बकरे को जब कुर्बान करते उसको बहुत उसकी एक अपनी अहमियत है। मैं मेरे कौम के लोगों से कहूँगा, महाराष्ट्र भर से जो लोगों को कहूँगा और मेरे खाटिक समाज के लोगों से कहूँगा, आज खाटिक समाज के कई लोग थे कि हम लोग साल भर बकरा देवनार में बेचते हैं, लेकिन और कई सारे लोग बार बार से महीने के अंदर 10 दिन के लिए कसाई बन जाते, कुरेशी बन जाते, बकरा बेचने वाले बन जाते, जिसके वजह से पूरे खाटिक समाज को बड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। साल भर ये मेहनत करते और ये खाटिक समाज एक ऐसा समाज है जो हलाल कमाता है और हलाल खिलाता है और उसके बाद भी तकलीफ है। और नए नए जो कुरेशी बनने जा रहे हैं उन कुरेशियों से कहूँगा कि आप बकरा खरीदिए, बेचना अच्छी बात है, धंधा करना अच्छी बात है, फार्म हाउस में बकरा पालना अच्छी बात है, पर वो बकरा मंडी में लेके जाके बेचो, वो भी कॉरपोरेशन ने ऑथराइज जो मंडी दी है, देवनार मंडी है, कल्याण मंडी है, जिस इलाके के अंदर ऑथराइज मंडी है उस मंडी में जाके बेचिए और खूब सारा पैसा कमाइए, अच्छी बात है।